उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले से बड़ी खबर आपको बताते चले। यह बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले के मड़ियाँव तहसील से आ रही है। आपको बताते चले, श्रीराम जानकी दिनकर इंटर कॉलेज जमालापुर में दसवीं की छात्रा के स्थान पर परीक्षा देती हुई दूसरी छात्रा पकड़ी गई। प्रधानाचार्य सूर्यभान सिंह ने बताया कि श्रेया प्रजापति अपनी बहन नंदनी प्रजापति, जो कि चाचा सिरौली के ग्राम प्रधान भी हैं चंदू प्रजापति, के कहने पर परीक्षा दे रही थी और वे बोले थे कि जाओ परीक्षा दो, कुछ नहीं होगा। आपको बताते चले, मामला संज्ञान में आते ही जांच की गई तो वह छात्रा फर्जी पाई गई। मड़ियाँव तहसीलदार राम सुधार भी मौके पर पहुंच गए। आपको बताते चले, परीक्षा होने के बाद छात्रा को पुलिस ने आकर अग्रिम कार्रवाई की। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। क्या मामला? हमारे यहाँ श्रेया प्रजापति जो यहाँ बैठी है वो अपने सिस्टर के स्थान पर परीक्षा दे रही थी। उसका नाम नंदिनी प्रजापति है और इससे एक बयान और जो हमको जानकारी हुई, इसके चाचा शायद प्रधान हैं जिसका नाम है चंदू प्रजापति जी, वही इससे कहे थे कि तुम जा करके बैठ करके परीक्षा दो, कुछ नहीं होगा जी। सर ये बताइए, जब परीक्षा शुरू हुआ था तो क्या परीक्षा कक्ष में जाने से पहले आधार कार्ड या यहाँ गेट पर हमने चेक नहीं किया? यहाँ गेट पर हमने 10 अध्यापिका और अध्यापक को लगाए थे, सारा चेक हुआ है। चूँकि लोग या बच्चे 5 साल के हैं 4 साल के हैं और तभी आधार कार्ड बन जाता है, तो उससे पकड़ पाना बहुत मुश्किल है हम सबके लिए। बाकी जो इन सबका और आई कार्ड मिलता है, प्रवेश पत्र मिलता है, वो कंप्यूटराइज इतना रहता है कि उस पर किसी का फिगर पहचानना बहुत मुश्किल है। इस स्थिति में कोई गांव से फ़ोन किया, शायद गांव से फ़ोन किया इसके कि ऐसे ऐसे एक लड़की दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रही है, जो कि कंट्रोल रूम से हमारे पास फ़ोन आया, यहाँ तक कि सारे अधिकारियों के पास फ़ोन आया और आपके सामने तहसीलदार साहब भी बैठे हैं, ये पहले ही आ गए थे, हर रूम में जा कर के चेक किए, बाकी व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन अब ये पकड़ी गई है, अब इसके ऊपर FIR होगा, महिला कांस्टेबल को हमने बुलाया है। और ये जो बच्ची पकड़ी गई सर, वो किस क्लास में पढ़ती है जो पकड़ी गई है? ये उससे छोटी है जी, तो स्वाभाविक है कि 11 या 10 में होगी। सर अगर छोटी है तो क्या आपने आधार कार्ड से चेक किया? आपने आधार कार्ड हमने बता दिया, कुछ मांगा है सर? आईडी प्रूफ जिससे पुष्टि हो सके, बच्ची की कोई आईडी प्रूफ जिससे प्रूफ हो सके कि वो क्लास 9 की छात्रा है जैसा कि आप बता रहे हैं। और अभी तो कुछ, अभी तो वो अपने सिस्टर की लेकर के आई है, अभी उनकी आईडी आपने चेक की है, कैसे आप प्रमाणित कर सकते हैं कि श्रेया प्रजापति ही है? कोई पहचानों में? अरे वो बता रही है ना, वो स्वयं बता रही है। कोई डॉक्यूमेंट वगैरह? नहीं, डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं, वो डायरेक्ट बता रही है कि मैं फला हूँ, मैं अपने सिस्टर के स्थान पर परीक्षा दे रही हूँ। ये उसका बयान है? ये उसका बयान है। और उसके चाचा जो चंदू प्रधान है, शायद क्या नाम है असल का वो तो नहीं मालूम, उन्होंने कहा कि आप जा करके परीक्षा दो, कुछ नहीं होगा। और गांव से ही सूचना गई होगी कि गलत स्थान पर कोई बैठ करके परीक्षा दे रहा है। कंट्रोल रूम से बार बार फ़ोन आया, पूरे अधिकारियों के पास, अभी बेसिक साहब भी आए थे, उन्होंने भी देख करके गया और ये कहे कि सारी व्यवस्था बहुत अच्छी।